हम खड़े हैं यहाँ पर सिकंदरा थाना क्षेत्र में, सिकंदरा थाने में। दो मकानों को बलवाइयों द्वारा फूंक दिया गया। बताया जा रहा है ये मकान उस सादिक के हैं जो किसी समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता था। युवती को भगाने का उस पर आरोप था। हालांकि युवती द्वारा 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल किया गया था, इसमें मस्जिद से जाने की बात की गई थी। पुलिस द्वारा दबिश देकर युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया। वहीं युवक की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे थे, लेकिन सुबह अचानक क्या हुआ, कुछ बलवाइयों ने जाके सादिक के दोनों घरों को आग लगा दिया। पुलिस SSP पुलिस महकमे में खलबली मच गई। वहीं लखनऊ तक के अधिकारी आला अधिकारी अपडेट लेने में जुट गए। हाल ही में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि चौकी इंचार्ज रुनकता को सस्पेंड किया गया। इंस्पेक्टर सिकंदरा को जांच बैठाई गई। 4 दिन पहले एक बालिग लड़की एक लड़के के साथ चली गई थी और दोनों बालिग थे। ये दोनों अपोजिट संप्रदाय के थे। लड़की पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। अभी कोर्ट ना खुलने के कारण, बंद होने के कारण, छुट्टी होने के कारण उनका अभी बयान नहीं हो पाया था। इस बीच ये यहाँ के कुछ धर्म जागरण समन्वय संघ के कुछ कार्यकर्ता हैं इकट्ठे हुए और उन्होंने जिस लड़के के जो लड़का लड़की लेके गया था उसके घर में आग लगाई है। मैं मौके पर हूँ, आग बुझा दी गई है। यहाँ पर पूर्णतः शांति है और कोई ऐसी बात नहीं है। FIR रजिस्टर की जा रही है और बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लापरवाही बरतने पर यहाँ के जो रौनकता के चौकी इंचार्ज हैं उन्हें मेरे द्वारा निलंबित किया गया है और जो थानाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जांच संस्थित की गई है। यदि इनकी भी लापरवाही पाई जाएगी तो इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।